फोन आता है तो घबरा जाता हूँ, पता नहीं क्या हो। जया बच्चन से बात करने में आज भी डरते हैं अमिताभ बच्चन। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंदर राणा आज आपके लिए अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच के रिश्ते से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। अमिताभ बच्चन इस समय कौन बनेगा करोड़पति शोले होस्ट कर रही हैं। अक्सर बीच बीच में एक्टर अपनी लाइफ से जुड़े किस्से सुनाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टेंट के साथ उनकी बातचीत फैंस को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। इस दौरान वो अपने परिवार से जुड़े भी कई सारी बातें बताते हैं। हाल ही में महानायक ने जया से जुड़ी किस्सा सुनाया। जया के लिए सीखी बंगाली, अमिताभ के पास नहीं थे पैसे, एक्टर ने सुनाया मज़ेदार किस्सा। एंटरटेनमेंट डेस्क नई दिल्ली, सोशल मीडिया से लेकर खुद अमिताभ बच्चन के घर में जया का कितना खौफ है ये तो जग जाहिर है। अक्सर सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स वायरल होते रहते हैं। जया जी को बहुत गुस्सा आता है, वो कभी हंसती नहीं है वहीं। और अब अमिताभ बच्चन ने यह बोल दिया कि वो जया से डरते हैं। बिग बी ने सुनाया उनकी लाइफ से जुड़ा किस्सा। कौन बनेगा करोड़पति 16 KBC 16 के सेट पर बिग बी में पूरा वाक्या सुनाया। अमिताभ ने बताया कि उन्हें बंगाली नहीं आती, जबकि जया अक्सर उनसे बंगाल में बात करते हैं। बिग बी के सामने हॉस्ट सीट पर सौरभ बैठे थे जो कि कलकत्ता से थे। इस दौरान एक्टर ने बताया उनका ऑफिस बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एलहौजी के पास था। इस दौरान उन्होंने बंगाली सीखने के लिए 1,000 एक जगह 3,000 रुपये की फीस दी। बंगाली सीखने के लिए ली क्लासेज। अमिताभ ने बताया कि उनके महीने की सैलरी केवल 500 रुपये थी और जब कुछ खर्च करने के बाद सिर्फ 150 रुपये बचते थे। उन्होंने सारे पैसे बंगाली सीखने में लगा दिए, फिर भी नहीं सीख पाए तो ऑफिस के बाद दो दोस्त के साथ सीखना शुरू किया। हालांकि एग्जाम में वो पास हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आता था अमिताभ ने हाल ही में घटना को याद करते हुए बताया कि जया के सामने वो अभी भी बंगाली नहीं बोल पाते क्योंकि अभी पकड़ छूट गई है, इससे कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है। उन्होंने कहा है कि जब गेस्ट आते हैं और हमें कुछ प्राइवेट बात करनी होती है तो जया अक्सर बंगला में बात करना शुरू कर देती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं केवल हाँ में हाँ मिलाता रहता हूँ। जया का फ़ोन डरते हुए उठाया। हाल ही में जया गोवा में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी और मुझे उनका फ़ोन आया। आमतौर पर हम मैसेज में बात कर लेते हैं, लेकिन इस बार उनका फ़ोन आया था तो मैं घबरा गया। जब मेरी पत्नी फ़ोन करती है तो मैं चिंतित हो जाता हूँ, न जाने क्या होने वाला है। फिर मैंने डरते हुए कॉल उठाया कि जाने क्या हुआ है। उन्होंने बंगाली में बोलना शुरू कर दिया क्योंकि आसपास लोग थे और मुझ पर एक शब्द भी नहीं आता था। तो ये थी अपडेट अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच के रिश्ते के बारे में, जो कि बताया गया है कि अमिताभ बच्चन आज भी जया बच्चन यानी अपनी वाइफ यानी अपनी पत्नी से डरते हैं। उनके कारण उन्होंने बंगाली बोली सीखी, जिसके कारण वे बाद में भी नहीं सीख पाए थे। उन्होंने 3,000 रुपये सीखने के लिए भी दिए थे। वे बहुत डरते हैं, उनका फ़ोन जब कभी अमिताभ बच्चन के पास आता है अपने पत्नी का तो भी वो डरते रहते हैं। तो ये थी अपडेट अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के रिश्ते से रिलेटेड। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।